नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल SJ Traders में। आइए दोस्तों देखते हैं मैंने कल जो लेवल दिया था उसका आज क्या हुआ। दोस्तों निफ्टी के बारे में बोलता हूं मैं आपको। निफ्टी में मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट में बोला था कि आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकती है। वो कौन सा लेवल बताया था मैंने आपको, 16,500 से लेकर 16,400 के बीच में। लेकिन जो नेगेटिव न्यूज़ आया था अमेरिका और ईरान और इराक का, उसका अमेरिका ने कुछ आंसर नहीं दिया होगा या कुछ रिप्लाई नहीं किया, इसलिए आज गैप डाउन ओपन नहीं हुआ। जो हमने सोचा था वो गैप डाउन आज मार्केट ओपन नहीं हुआ और सीधा ऊपर चला गया। तो मैं आज एक काम करता हूँ, ये पूरे लेवल को आज फिर से निकाल लेता हूँ और हम नया लेवल ड्रो करते हैं। पहले वन डे के कैंडल में देखते हैं फ्रेंड्स, वन डे के कैंडल में क्या हाल है निफ्टी का। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही थी, ये वाली, उसने आज ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है फ्रेंड्स। तो अब मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ गया है। और अगर 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं, 15 मिनट की चार्ट में वो उसने ब्रेक कर लिया है। अगर कल निफ्टी के लिए हमारा फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं, आज हम फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं, ये हमने फ्लैट जोन ड्रॉ किया है फ्रेंड्स। कल निफ्टी में ट्रेक का ना मज़ा तभी आएगा जब ये फ्लैट ओपन होती है तब। अगर 16,800 से लेकर 16,890 के बीच में ओपन होती है और बाद में इसको ब्रेक करेगा 17,000 को, तो उसका नेक्स्ट टारगेट आएगा निफ्टी का 17,050 और दूसरा टारगेट उसका आएगा 17,150। ये दो टारगेट कल के लिए मैं देता हूँ आपको निफ्टी के लिए अपसाइड में। और अगर डाउन के साइड में बाई चांस 16,800 ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में 16,750 आएगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट डाउन साइड में भी आ सकता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम पकड़ लो 16,690 यानी 17,000 राउंड फिगर पकड़ लो। ये निफ्टी का मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। अभी इसका हम प्राइस लेवल भी मार्क कर लेते हैं, 17,850 आएगा पहला हमारा टारगेट, दूसरा टारगेट आएगा हमारा 17,150। मुझे लगता है मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो टुमॉरो गैप अप भी ओपन हो सकता है। अगर समझो कि गैप अप ओपन होता है 17,000 के आसपास, पहली 5 महीने 17,000 के ऊपर ओपन होता है और फर्स्ट 5 महीने के हाई को ब्रेक करेगा तो भी हम कॉल बाई कर सकते हैं। और डाउन साइड में प्राइस लेवल लगाते हैं हम 17,760 रुपीस, और दूसरा तड़के डाउन साइड में आएगा 16,690 यानी 17,000 पकड़ लो राउंड फिगर में। ये निफ्टी का कल के लिए हमारा लेवल है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में उसने क्या किया। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के बारे में बोलो तो मैंने आपको बोला था कि 34,000, 34,300 और 33,900 के बीच में ओपन होता है और उसके बाद ये ब्रेक करेगा तो हमको ये लेवल मिल सकता था, लेकिन उसने गैप अप ओपन कर दिया और गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे आया ही नहीं। तो ये जो लेवल मैंने मार्क किया था उसको मैं आज निकाल लेता हूँ पूरा। इसको भी हम वन डे के कैंडल में देखते हैं फ्रेंड्स। ये वन डे के कैंडल में देखते हैं तो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। वन डे के कैंडल में चेक करते हैं, ये ऊपर से एक लाइन आ रही है, ये ब्रेक करने के पूरे पूरी पॉसिबिलिटी है कल टुमॉरो। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा 35,600 तो ये बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और अगर 50 मिनट के चार्ट में आप चेक करोगे तो यहाँ पे W पैटर्न भी बन रहा है फ्रेंड्स। ये W पैटर्न कौन सा बन रहा है, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये सा, ये यहाँ पे आया
और ये यहाँ पे ऐसा आया। अगर ये ब्रेक होता है फ्रेंड्स कल 34,460, तो ये अच्छा मूव कर सकता है अपसाइड में। कल के लिए ब्रेक जोन रहेगा हमारा, फ्लैट जोन रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। उसका लेवल आता है फ्रेंड्स डाउन साइड में आएगा 35,200। उसका क्लोजिंग आज हुआ है 35,300 के आसपास क्लोजिंग हुआ है उसका। और अपसाइड में आएगा 34,460। अगर आज के हाई को बैंक निकलता है कल, बैंक निफ्टी आज के हाई को ब्रेक करेगा 35,450 ब्रेक करेगा, उसका प्राइस लेवल भी लगा ही लेता हूँ मैं अभी 35,430। डाउन साइड में रहेगा हमारा 35,200, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, बहुत नीचे है डाउन में है ये वाला, ये लेवल आएगा हमारा 230। तो पहला टारगेट अपसाइड में आएगा 35,400 निकलता है फ्रेंड्स, तो पहला टारगेट हमारा आएगा 35,680। और दूसरा अपसाइड में टारगेट आएगा फ्रेंड्स 35,900। और डाउन साइड में देखते हैं हम कि 35,220 ब्रेक करता है तो डाउन साइड का लेवल आएगा हमारा 35,100। और दूसरा लेवल आ सकता है डाउन साइड में 35,860, इसका लेवल रहेगा अपसाइड में। ये हो गया और दूसरा ये भी हो गया, और डाउन साइड में होगा हमारा 35,100। दूसरा लेवल हो गया नीचे की साइड में 34,850, 860। ओके फ्रेंड्स, मार्केट का कुछ भरोसा है नहीं। आज अगर अच्छा न्यूज़ आएगा तो कल ऊपर जाएगा, अगर आज रात को नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो कल डाउन भी आ सकता है। तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। हो सकता है कल गैप अप भी ओपन हो जाए, और जब गैप ओपन होता है तो हमें 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अगर 250-200 पॉइंट गैप ओपन होता है तो 5 मिनट की कैंडल का हम वेट करके उसके बाद उसके हाई को ब्रेक करेगा अपसाइड में, तो हम कॉल बाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैंने आज टेलीग्राम में भी आपको अपडेट किया था कि हमने जो कल लेवल दिए थे उस लेवल के हिसाब से ओपन नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा वेट करके ट्रेड कीजिएगा। ये मैंने आपको मैसेज दिया था टेलीग्राम के चैनल में। अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, उस लिंक से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह मशवरा जरूर लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।